वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज की वीडियो MR की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज जो 2-3 दिनों बाद जो आपसे मुलाकात हो रही है, कुछ बिजी होने के कारण मैं वीडियो शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपका जो रूल है आप जानते ही हैं, पहले सामान्य ज्ञान से शुरू करते हैं, आपका सामान्य ज्ञान ख़त्म करके मैथ की तरफ, मैथ से हम साइंस की तरफ चलते हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मिलते हैं वीडियो में ही मिलते हैं, और आप लोग वीडियो को छोड़ के चले जाते हो। ऐसी गलती से आपका लॉस होता है कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ नहीं पाते हैं। तो चलिए बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी क्या है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2020 की एग्ज़ाम में, मार्च 2020 की एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि दादर एवं नागर हवेली की राजधानी क्या है। राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है सिलवासा, तो राइट आंसर हो जाएगा दादर एवं नगर हवेली की जो राजधानी सिलवासा है, 2020 की एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछे ईटानगर किसकी राजधानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, अंडमान निकोबार, राइट आंसर कवरत्ती। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, मुसलमानों का पवित्र स्थल काबा किस देश में है। नाम से बड़ा अजीब है काबा, तो ऑप्शन आपके सामने है, फोर्थ राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर्थ चुना है सऊदी अरब, तो राइट आंसर हो जाएगा जो मुसलमानों का पवित्र स्थल काबा जो है वो सऊदी अरब में स्थित है। एक बात याद रखिएगा, जो मुस्लिम लोग हैं ना भाई, उसमें भी कोई हो अगर आप, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनको जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा सऊदी अरब का है, तो इसे स्पष्ट हो जाता है क्वेश्चन का आंसर सऊदी अरब जो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है, सबसे ऊँची लंबाई का जानवर कौन है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है, सबसे ऊँची लंबाई का जानवर कौन है। तो उसमें से अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है जीराफ, तो राइट आंसर हो जाएगा जीराफ ऐसा जानवर है जो सबसे ऊंचा है। आपको राइट आंसर बताना है, राइट आंसर है कमेंट में बताना है कि वह कौन सा जानवर है इन फोर्थ ऑप्शन में से जो बोलता नहीं, मूक जानवर फॉर ब्रैकेट में जिसे बोलते हैं, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहा, सिटी ऑफ स्क्रैप्स किस शहर को कहा जाता है। सिटी ऑफ स्काई स्क्रैप किस शहर को कहा जाता है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है न्यूयॉर्क, तो राइट आंसर हो जाएगा सिटी ऑफ स्काई स्क्रैप्सर, तो हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, पुर्तगाल का कैडिज किस चीज़ के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर्थ चुना है कार का, तो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का जो कैडी चीज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो कार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन ध्यान से देखा करिए क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, टोक्यो किस नदी के किनारे बसा है। टोक्यो मतलब टोकनाना, तो किस नदी के किनारे स्थित है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है।
तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है सुमिदा, तो राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, टोक्यो का मतलब जानते हो? टोकना ना, बिहार में बोलते हैं, मतलब बिहारी लैंग्वेज में, कि टोक दिया, अशुभ हो गया। तो देखिए, सु आ रहा ना सुमिदा, टोक्यो मतलब टोक्यो किस नदी किनारे स्थित है? सुमिदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा आल्पस पर्वत किस महादेश में? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर आपको बताना। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है यूरोप, तो राइट आंसर हो जाएगा अल्पस जो है पर्वत स्थित है यूरोप के महाद्वीप में, महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, नील नदी कहाँ से निकलती? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है विक्टोरिया लेक, तो राइट आंसर विक्टोरिया लेक मतलब विक्टोरिया झील से, तो राइट आंसर हो जाएगा नील नदी का जो उद्गम है विक्टोरिया लेक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है? राइट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर आपको बताना है। दुनिया का सबसे बड़ा झील जो आपसे पूछा गया है, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है कैस्पियन सागर, तो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सागर नहीं लिखा गया, जब तक सागर भी आ जाता है उससे कन्फ्यूज मत होइएगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो झील है वो कैस्पियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है हरगोविंद कौन थे? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है सिखों के छठे गुरु थे, तो राइट आंसर हो जाएगा जो हरगोविंद जी थे वो सिखों के छठे गुरु थे, छठे नंबर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, का अहम अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई, क्या लड़ी गई थी? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन 2020 की एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो राइट आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो लड़ी गई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, लड़ी गई थी कब लड़ी गई थी आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, कह रहा है टूटिए हिंद किन्हें कहा जाता है? पैरट ऑफ इंडिया। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना अमीर खुसरो, तो राइट आंसर हो जाएगा तूती हिंद पैरट ऑफ इंडिया जो अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगर कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे? किस अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे? तो राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना, सिर्फ पढ़ने का तरीका होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है बेलगांव, तो राइट आंसर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है वंदे मातरम नामक समाचार पत्र कौन प्रकाशित करते थे? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर्थ चुना है अरविंद घोष, तो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष वंदे मातरम नामक समाचार पत्र की प्रकाशित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय छोटे छोटे कितने राजघराने या राज्य थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय छोटे छोटे कितने राजघराने या राज्य थे? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर्थ चुना है 562, तो राइट आंसर हो जाएगा
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय छोटी छोटी जो 562 राजघराने राज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है महात्मा गांधी ने किस गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है द्वितीय, तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था। तीन गोलमेल सम्मेलन होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, जलियांवाला बाग में किसके विरोध में सभा हो रही थी, जनरल डायर ने लोगों पर गोलियां चलवाई। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है रॉयल एक्ट, राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग में रॉयल एक्ट विरोध में सभा हो रही थी जब जनरल डायर ने लोगों पर गोलियां चलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन बनेगा करोड़पति 10 किस चैनल पर प्रसारित किया गया। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए आपको बताना है, राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी चुना है सोनी टीवी, तो राइट आंसर हो जाएगा सोनी टीवी कपिल वाला, उसी पे आपका आता है कौन बनेगा करोड़पति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, यूएस ओपन टेनिस 2018 का महिला एकल खिताब किसने जीता था। तो एक इससे क्रिकेट एक खेल से क्वेश्चन ये आता है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है नियोमी ओसाका, तो राइट आंसर हो जाएगा यूएस ओपन टेनिस 2018 महिला एकल खिताब जीतने वाली जो थी नियोमी ओसाका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्न में से किन्हें वर्ष 2018 का ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया गया। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है, ध्यानचंद पुरस्कार 2018 का किन्हें नहीं दिया गया, मतलब इन चार लोगों में तीन लोगों को दिया गया है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर चुना है साइरस पूंछा, तो राइट आंसर होगा साइरस पूंछा जो है इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया गया था वर्ष 2018 में, बॉबी को दिया गया था, एलो एसीएस को दिया गया था, सीडी दत्तात्रेय को दिया था, भरत छेत्री को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, नीतू सिंह का संबंध किस खेल से है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर चुना है हॉकी, तो राइट आंसर हो जाएगा नीतू सिंह का जो संबंध हॉकी खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2018 का सियोल शांति पुरस्कार किसे दिया गया, सियोल शांति पुरस्कार आपसे पूछा गया है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट चुना है नरेंद्र मोदी को, तो राइट आंसर हो जाएगा 2018 का सियोल शांति पुरस्कार दिया गया था, नरेंद्र मोदी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है बिल गेट्स, तो राइट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स जी हैं जो बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा विश्व में सबसे अधिक दर से किस देश की जनसंख्या बढ़ रही, राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है जॉर्डन, तो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जॉर्डन ही ऐसा देश है जिसमें मतलब अधिक विश्व सबसे अधिक दर से जनसंख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का, लास्ट क्वेश्चन है, मैथ की तरफ चलेंगे, इंतजार की घड़ी खत्म होती है। कह रहा है इसबी के संदर्भ में एडी का शब्द विस्तार क्या है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर चुना है एनोडोमी, तो राइट आंसर हो जाएगा
ईस्वी के संदर्भ में एडी का संबंध जो है एनो डोमिनी थे। तो क्वेश्चन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैथ का क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमित सुरेश से 2 घंटा अधिक समय लेता है। यदि अमित की चाल दोगुना हो जाए तो वह 1 घंटा कम समय लेता है। अमित की चाल क्या होगी? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर उसमें से बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कराए यदि अल्फा कामा बीटा समीकरण x² + px + 12 = 0 के मूल हो तथा α - β = 1 हो, तो आपको p का मान बताना है। तो इसका एक रूल है, अल्फा रूल के अनुसार लगाइएगा क्वेश्चन, आपको आंसर मिल जाएगा। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है p = 7, तो राइट आंसर जो प्लस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है यदि अल्फा सॉरी a + b = 1 = 5 हो, तो a - b² + b² की वैल्यू क्या होगी? राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 5:13, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है 4 आदमी या 7 औरतें एक काम को 60 दिनों में करते हैं, तो कह रहा है 8 आदमी और 7 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगे? राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 20, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 दिनों में 8 आदमी और 7 औरतें उसी काम को करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है यदि गेहूं का भाव 60% बढ़ जाए तो परिवार को गेहूं का उपयोग करने में कितना परसेंट कम कर देना चाहिए ताकि उस गेहूं का खर्च बिल्कुल ना बढ़े? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उसका एक ट्रिक है, अगर बढ़ जाए ना तो 60 पहले लिखिएगा, अपान हम आपको बता चुके हैं 100 में प्लस करिएगा, 60 × 100, क्योंकि परसेंट पूछा गया है। तो 0 से 0 के आंसर 6 से भाग दीजिए, 6 से नहीं जाएगा ना, तो आपका 2 से जाएगा, 3 बार जाएगा, और यहाँ 8 बार जाएगा, और यहाँ से काटिएगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 25 बचेगा, और 25 × 75/2 मतलब 37.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 1100 लड़कों एवं 900 लड़कियों ने भाग लिया, लड़कों के 50% लड़कियों के 40% उत्तीर्ण, कुल कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए? राइट आंसर आपको बताना है। इनका सबका परसेंट निकाल के आपको राइट आंसर बताना है, फिर परसेंट निकालना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड जो है 45.5%, तो राइट आंसर हो जाएगा। आप घर पे लगाइएगा अच्छे अच्छे से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ दूरी कार द्वारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की तथा उतने ही दूरी साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। यदि पूरी यात्रा में 3 घंटा समय लगा हो तो कुल कितनी दूरी तय की? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका एक रूल है, तो राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 2t / a + b / ab, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। सॉरी स्टूडेंट, तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन
सेकंड चुना है 2t इंटू ए इंटू बी अपान ए प्लस बी, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला आपको बहुत काम में आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा दो पदार्थों के मिश्रण वाला m इकाई का घोल है जिसमें a परसेंट वाला पदार्थ है, उसमें कितने इकाई का दूसरा पदार्थ मिलाया जाए ताकि b परसेंट पहले ही पदार्थ मिल जाए, तो राइट आंसर आपको बताना है। इसमें से देखिए सब ट्रिक है, ये सब क्या है आपके फार्मूला है, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है m ब्रैकेट में a माइनस बी अपान बी, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है, यदि किसी गोले की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल a हो तो उसका आयतन कितना होगा, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है ए अपान सिक्स अपान अंडर रूट ए अपान फाइव, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा आर त्रिज्या का एक गोला एक बेलन में इस प्रकार स्थित है कि गोले का वक्र पृष्ठ बेलन को स्पर्श करता है, जो चित्र से स्पष्ट है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है 4πr², तो राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते ही हैं गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है आपका, एक मूलधन से साधारण, सॉरी स्टूडेंट, एक साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है वह मूलधन क्या होगा जिसका 6 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन 650 हो गया, तो मूलधन आपको मूलधन बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आप बोल, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 500 रुपया, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सॉरी स्टूडेंट में थोड़ा दिक्कत हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो डायग्राम है, कह रहा है ABCD एक आयत है तथा त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल 15² है, यदि BC = 2BE है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो राइट आंसर हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एक दर्शक समुद्र के किनारे खड़ा होकर देखता है कि 120 तरंगे प्रति मिनट किनारे तक पहुंचती हैं, यह तरंग दैर्ध्य 5 मीटर हो तो उसका वेग क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है 8 मीटर स्क्वायर, तो राइट आंसर हो जाएगा, जिसका वेग होगा 8 मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है तरल पदार्थों में होता है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है केवल आयतन प्रसार, तो राइट आंसर हो जाएगा, तरल पदार्थों में होता है केवल आयतन प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर, कह रहा है 20 ग्राम पानी को 80 कैलोरी ऊष्मा देने पर उसका ताप कितना बढ़ेगा, यदि पानी का विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस हो तो, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
कह रहा है कि यदि किसी दूरबीन के नेत्रिका की फोकस दूरी FE तथा अभिदृश्य की फोकस दूरी F0 हो तो दूरबीन की लंबाई क्या होगी। राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन। आपके सामने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है F0 + FA तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। कह रहा है यदि हरे प्रकाश में लाल फूल को देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर चुना है काला तो राइट आंसर हो जाएगा। हरे प्रकाश में लाल फूल को देखने पर काला दिखाई देता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है किसी अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी कर चुना सिर्फ ऋणात्मक तो राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी होगी सिर्फ ऋणात्मक होगी। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। सॉरी स्टूडेंट। कह रहा है कि 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम की 3 कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 32 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा जाए तो पहली कुंडली के सिरे को विभवांतर क्या होगा। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर चुना है 12 वोल्ट तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 20 निम्न में से कौन एक प्रभावशाली प्रतिध्रुवक है। राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, आपका क्वेश्चन खत्म होने वाला है। ठीक, तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना MnO2 तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभावशाली प्रतिध्रुवक जो है MnO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा है कि सरल सेल में ऋण ध्रुव किस के प्लेट को बनाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर चुना है जस्ता के तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। कह रहा है कमरे की वायरिंग को में स्विचों को जोड़ा जाता है, स्विच जो है वो जोड़ी जाती है कैसे। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है समांतर क्रम में तो राइट आंसर हो जाएगा कमरे में वायरिंग के स्विच को जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। यू 235 का विखंडन होता है जब उसके नाभिक टकराते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है यदि तो मंदगत से न्यूट्रॉन तो राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा है हमारा सूर्य है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्योग्राफी से। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है मध्यवय तारा है तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो सूर्य है मध्यवय तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन आपका है। कह रहा है लाइसोसोम है, ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है ऊर्जा केंद्र तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम से जो है ऊर्जा केंद्र है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल नए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।